लेकिन वो उनको ना पहचान सके कुरान के ये अल्फाज है और कुरान यही कहता है लेकिन अहले किताब के यहां एक गलत बात कही जाती है कि जब हजरत अलैहिस्सलाम के भाई उनके पास तशरीफ लाए तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचाना और भाइयों ने उनको पहचाना तो भाइयों ने अलैहिस्सलाम को सजदा किया पहचान गए कि यही यूसुफ हैं उसके जवाब में यूसुफ़ यूसफ्लातम ने कहा अंत तुम जवासीस तुम जासूस लोग हो जो हमारे पास आए हो जबकि इसका कोई ताल्लुक नहीं कुरान के बयान करदा उसलूब से और ना ही इसका कोई ताल्लुक है किसी हदीस से ये एक इसराइली रिवायत है जो कुरान की मुखालिफत में है लिहाजा ऐसी सूरत में हम कुरान के उसलूब को अपनाएंगे कुरान के तरीके को कुरान की गुफ्तु को लेंगे और अहल किताब की इसराइली रिवायत को नहीं लिया जाएगा भाई दाखिल हुए यूसुफ अलह सलात ने पहचान लिया वो नहीं पहचान सके जब उन्होंने गल्ला खरीद लिया अपने अपने ऊंट पर गल्ले को रख लिया तो यूसुफ अलह सलात ने उनसे पूछा हालांकि वो सब जानते थे कि तुम कितने भाई हो उन्होंने जिक्र किया कि हम इतने इतने भाई हैं और एक भाई हमारा हमारे वालिद साहब के पास मौजूद है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमायान कि तुम मेरे पास अपने बाप जाए भाई को लेकर के आना क्या तुम मुझे नहीं देख रहे हो कि पूरा पूरा तुम्हें दे रहा हूं मैं अच्छे से नाप करके दे रहा हूं खैर मुंजलिन और मैंने तुम्हारी बेहतर जियाफत भी की है मेहमान नवाजी में भी कोई कमी नहीं की है बताइए कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा दिल था अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अल्लात का कि वह लोग जिन्होंने कत्ल करने की धमकी दी कत्ल करने की साजिश रची राय का इजहार किया कत्ल किया जाए या किसी ऐसी जमीन में छोड़ दिया जाए जहां कोई वहशी जानवर इनको चीर फाड़ करके खा जाए और फिर बाद में कुएं में डाल दिया गया उनके सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने किसी भी अलम का अपनी किसी भी तकलीफ या मुसीबत का परेशानी का जिक्र नहीं किया बल्कि मजीद ये कि उस पर उन्होंने उन भाइयों की सही तरीके से जियाफत की क्या फायदा है क्या नसीहत है क्या सबक है क्या दर्श है कि अगर किसी भाई ने अपने सगे भाई को तकलीफ दी है परेशान किया है तो अगर वो जो मजलूम भाई है कादिर भी है कि उसको तकलीफ पहुंचाए परेशान करने पर कादिर भी है बाद में चल करके मिसाल के तौर पर मालदार बन गया या उसको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल गई हुकूमत की तरफ से अब वो कादिर है के जालिम भाई से जो उसने आज से पांच छह साल पहले उस पर जुल्म किया था उससे बदला ले लेकिन अब उसने उसे उस बात पर हार नहीं दिलाई लान तान नहीं किया बुरा भला नहीं कहा तो ये बड़े सवाब की और अजर की बात है और असल कंट्रोल उस शख्स की जानिब से होता है जो किसी को मारने पर कादिर हो जिसने उस पर पहले जुल्म किया था लेकिन अब कुदरत रखने के बावजूद भी उसे माफ कर दे ये बहुत बड़े दिल वाली बात है हम में से कौन माफ करता है किसी को कौन किसी को दरगुजर करता है इल्ला माशा अल्लाह जिसे से दे इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से कहा कि जाओ अपने बाप जाए भाई को लेकर के आना अगली बार और हां सब कुछ देख ही हो कि पूरा पूरा तुम्हें तोल के दिया जा रहा है मैं दे रहा हूं और बेहतरीन जियाफत भी मैंने की है और हाँ अगर तुम उसे मेरे पास नहीं लाए तो तुम्हारे लिए कोई भी चीज हमारे यहां नहीं है गल्ला नहीं मिलने वाला है और करीब भी मत होना हाँ ये यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो हमत और इल्म अता किया था और उसके पसे पर्दा कौन से उमूर थे उसको अलैहिस्सलाम ने अपनाया भाइयों ने कहा ठीक है हम उसकी जानिब से उसको लाने के लिए उसके वालिद को आमादा करेंगे चुनान चाहिए बाद में घर पलटे और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया था पहले अपने कारिंदों को कि इनके सामान में उन्होंने जो रकम दी है जो पूंजी दी है पैसे दिए हैं उसको रख दो चुपके से वो तो मुमकिन है कि जब वो उसको देखेंगे कि उनको गल्ला भी मिला है और उनकी रकम भी वापस कर दी गई है तो शायद फिर से ये वापस आएं, ये वापस एक बहाना बने ये हीला अपनाया। इसलिए अहले कहते हैं कि ऐसा हीला किसी मसले में या किसी मामले में जिसमें खैर हो शर ना हो उसको अपनाना जायज है यह इल्मी फायदा है मिसाल के तौर पर आपने हीला अपनाया अपनी बीवी के साथ कि मैं फला जगा जा रहा हूं आपने उसका नाम भी जिक्र किया जबकि आपका मकसद यह था कि आपको जाना था किसी खैर के काम में हिस्सा लेने के लिए तो यहां पर आपको बात घुमा करके के बीवी के सामने अगर पेश करना पड़े तो पेश कर सकते हैं क्यों क्योंकि ये काम जो आप कर रहे हैं वो खैर के काम में हिस्सा लेने के लिए कर रहे हैं बात घुमा करके पेश की जा सकती है खैर के काम में हिस्सा लेने के लिए लेकिन कोशिश करें कि झूठ ना बोलें एक और मिसाल मिया बीबी के दरमियान इख्तिलाफ है बहुत जबरदस्त शदीद इख्तिलाफ़ हो गया नौबत यहां तक आ गई कि मुमकिन है आप उनको देखें कि शौहर बीबी को तलाक दे दे या बीबी शौहर से खुला लेने ऐसे सूरत में आप शौहर के सामने बीवी की तारीफ और शौहर को कहें कि आपकी बीवी ने ऐसा वैसा कहा है बड़ी तारीफें कर रही थी आपकी जबकि बीवी ने ऐसा नहीं कहा है और बीवी के सामने आपने कहा कि आपके शौहर ने आपकी ऐसी ऐसी तारीफ की है और उनका दिल एकदम साफ है आपके लिए जो शदीर्द इख्तलाफ था आपके हीले की वजह से अब वो इख्तलाफ इतफाक में बदल गया और दोनों के दरमियान फिर मोहब्बत कायम हो गई और दोनों फिर से एक जिंदगी गुजारने लगे ये हीला भी जायज है क्योंकि इसका ताल्लुक खैर से है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हीला अपनाया कि मुमकिन है ये लोग लौटे खैर ये लोग अपने वालिद साहब के पास पहुंचे और वहां पर वाल साहब से इन्होंने कहा वालिद साहब जो अजीज मिस्र हैं उन्होंने कहा है कि आप अपने भाई को लेकर के हमारे पास आए वरना आपको गल्ला नहीं मिलेगा याकूब अलैहिस्सलाम ने इस बात को सुना तो फरमाया कुरान ने नक्शा खींचा है अल्लाह फरमाता है हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा अमिन तुकुम अला अखीही मिन क्या मैं तुमको इस पर वैसे ही मामून समझूं अमीन समझूं तुमको अमीन मानूं जिस तरह मैंने तुमको इसके भाई पर इससे पहले अमीन समझा था भाई तुमने मुझसे वादे किए थे कि यूसुफ को भेजो यूसुफ को भेजो हमारे साथ हम उसकी हिफाजत करेंगे और बहुत तुमने अहदो मिसाक और वादे किए थे लेकिन तुमने मेरे बेटे को खो दिया मुझसे दूर कर दिया जुदा कर दिया अब तुम फिर यही चाहते हो कि मेरे छोटे बेटे मेरी आंख के तारे को मुझसे फेर दूर कर दो बिन्यामीन को फल्लाहु हाफिज़ा अल्लाह बेहतर निगरानी करने वाला है हिफाजत करने वाला है उसके बाद जब उन्होंने अपने सामान को खोला ऊंट पर रखे हुए जो सामान थे गल्ला था उसको खोला तो क्या देखते हैं कि पूजी रकम लौटा दी गई है वो तो इस पर बहुत खुश हुए और कहने लगे अबू जान देखिए पूंजी लौटा दी गई है हमारी हमारी रकम हमारे पैसे हमें लौटा दिए गए और हमें जो है अलग से गल्ला भी दे दिया अजीज मिस्र ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इस बात से खुश नहीं थे क्यों एक नबी थे वो कैसे मुमकिन था कि हराम का निवाला उसको खाते वो ये समझ रहे थे कि शायद ये हराम का है ये लोग जो है बगैर पैसे दिए हुए इस गल्ले को लेकर के आए हैं याकूब अलसलातुसम के जहन में ये बात मुमकिन हो मौजूद हो उसके बाद हजरत याकूब अलहसलातलाम से उनके बेटों ने कहा अबू जान देखिए रकम वापस कर दी गई है हमें राशन भी मिल गया है अब हम चाहते हैं कि अपने भाई को लेकर के जाए और इसी रकम से फेसे गला खरीदे जो हमें लौटाई गई है नजदादू कैला और हम एक ऊंट का गल्ला और बढ़ा करके लाएंगे ऐसा था कि अजीज मिस्र जो भी शख्स उनके पास जाता हर शख्स को एक ऊंट ही गल्ला देते मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स दस ऊंट लेकर के पहुंचता तो उसको भी एक ऊंट के बराबर ही गल्ला दिया जाता यानी जितना एक ऊंट पर आ जाए उसको गला दिया जाता बस यानी का मिसाल आप समझ लीजिए मुमकिन है पचास किलो गेहूं या एक क्विंटल गेहूं सिर्फ उसको दिया जाता बस गर्चे वो दस के पहुंचे। ये उन्होंने एक कानून और निजाम बनाया और सिस्टम बनाया हुआ था हजरत याकूब वालाम ने भाइयों की इस बात को सुना तो फरमाया लन और तुम्हारे साथ इसको नहीं भेजूंगा यहां तक कि तुम मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानब से आहद और मीसाक और पुख्ता कसम दे दो उन्होंने कसमें दी कि हम इसकी हिफाजत करेंगे खैर फिर से ये दूसरी मरतबा कनान से मिस्र की तरफ गए जब मिस्र पहुंचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका छोटा भाई बिन्यामीन भी उनके साथ है बहुत खुश हुए बेहद खुश हुए और खुश होने के बाद उसको जाहिर नहीं किया यह बहुत बड़ी अकलमंदी की दलील है कि कभी कभार इंसान खुश होता है या उसे गम लाहिक होता है लेकिन उसका इजहार करना यह उसके लिए बेसूद होता है इसीलिए कभी अगर इंसान को कोई खुशी लाहिक हो तो उस पर भी उसको सब्र से काम लेना चाहिए डायरेक्ट उसको लोगों के सामने जाहिर ना करना चाहिए इसलिए अहले इल्म कहते हैं कि हर नेमत वाला शख्स कुल्लु नेमत महसूद के हर नेमत वाला शख्स महसूद होता है लोग उससे हसद करते हैं मुमकिन है आपने किसी खुशी का इजहार किया तो जो नेमत अल्लाह ने आपको अता की है आपके खुश होने की वजह से जब दूसरों ने हसद किया तो उन्होंने हसद करते हुए आपकी उस नेमत को मुमकिन है बर्बाद कर दिया या उस हसद की वजह से उस शर की वजह से या मुमकिन है किसी शख्स ने आप पर सहर कर दिया जादू कर दिया कि आप खुश थे तो ऐसी सूरत में हर अच्छी बात खुशी की बात हर किसी को नहीं बताना चाहिए कभी कभी नेमत जो बेहतर नेमत हो अच्छी नेमत जो अल्लाह ने आपको अता की है मिसाल के तौर पर किसी आलिम को किसी तालिब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिफ्ज की दौलत से मालामाल किया है कि जब भी वो कुरान पढ़ता है फटाफट बहुत जल्दी जो है उसको याद हो जाता है यह मिसाल के तौर पर किसी शख्स को अल्लाह ने माल दौलत से नवाजा है और जब भी वो तिजारत करने के लिए कहीं निकलता है बाहर तो फौरन जो है उसकी तिजारत में बरकत अता करता है तो ये नेमत है इसको ज्यादा लोगों के दरमियान नहीं बताना चाहिए क्योंकि अल्लाह ने आपको एक खास नेमत अता की है कभी कभी कुछ नेमतों को छुपाना भी चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि हासिदीन पैदा हो जाए और वो नेमत आपसे छीन ली जाए उनके शर की वजह से उनके फितने की वजह से या मुमकिन है उनके सहर और जादू और टोना की वजह से खैर जब भाइयों ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारे आहदों मिसाक और कस्मे दे दी तो अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा ठीक है जाओ या बनिया मेरे बच्चों तुम एक दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि अलग अलग, अलग दरवाजे से गिरोह की शक्ल में तीन चार दो दो करके दाखिल होना ये हजरत याकूब अल्लात की हमत आमली थी अल्लाह ज्यादा इल्म रखता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा वो आलम मुमकिन है इस वजह से कहा हो कि सारे लोगों को एक साथ देखेंगे और सबके चेहरे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं मुमकिन है किसी की नजर लग जाए नजरे बद लग जाए आलम, अल्लाह ज़्यादा भाई पहुंचे बिनियामीन को लेकर के तो बिनियामीन को हजरत यूसुफ असलातलाम ने देखा तो बहुत खुश हुए लेकिन अपनी खुशी का इजहार नहीं किया जब सामान ऊंटों पर गल्ला ऊंटों पर लाद दिया गया इन सब भाइयों के तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक हीला चला एक हीला अपनाया क्या हीला था कहा ये जो छोटा भाई है मेरा इसके ऊंट पर जो गल्ला लादा गया है जो सामान लादा गया है इसमें बादशाह का जो पैमाना है उसको चुपके से रख दो मकसद क्या था मकसद यह था कि हजरत बिन्यामीन को रोकना था खैर जब लोग चलने के लिए तैयार हुए उन्होंने अपने बैठे हुए ऊंटों को उठाया तो एक मुनादी ने पुकारा ऐलान करने वाले ने पुकारात अयत अलगीर ए काफले वालो इन तुम चोर लोग हो बादशाह का पैमाना चोरी कर लिया गया है और हमें यह अंदेशा है बल्कि यकीन है और हमारा गुमान है कि यह काम तुम्हारा ही है लोगों ने कहा यानी हजरत नहीं हम लोग चोर नहीं हैं। कहा ठीक है छानबीन की जाएगी और जिसके गले में वो सुबह मलिक बादशाह का जो पैमाना है वो मिलेगा उसको बादशाह के दीन के मुताबिक गुलाम बना लिया जाएगा यही रोक लिया जाएगा खैर पहले उन लोगों से छानबीन की गई आखिर में बेन का जो ऊंट था जिस पर उनका गला लदा हुआ था उसमें हाथ डाला तो बादशाह का वह पैमाना मिल गया इस पर इन शरारती भाइयों ने क्या कहा वो सुनिए له इन कबल फ असर रहा نفسه ولم वलम لهم क्या जबरदस्त हमत आमली है इसको कहते हैं अमली और हकीम होना यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी का भाइयों ने कहा अगर इसने चोरी की है तो इससे पहले इसका भाई यूसुफ भी चोरी कर चुका है बताइए यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने उनको चोर करार दे रहे हैं ये भाई कितना बड़ा जुर्म है आप अंदाजा लगाइए एक जुर्म बाप को बेटे से अलग कर दिया कुएं में डाला दूसरा जुर्म उसके बाद तीसरा जुर्म कत्ल की धमकी दी कत्ल की साजिश की चौथा जुर्मसुफ असलातलाम के सामने ही बोल रहे हैं चोरी की है तो नई बात नहीं है ये इसका भाई भी इससे पहले चोरी कर चुका है लेकिन अल्लाह रब्बूल क्या कहता है फ रहा यूसुफ यूसुफ असलातलाम ने उनकी इस बात को छुपा लिया अपने दिल में जो गुस्सा हुए थे उस घूट को पी लिया उन्होंने जाहिर नहीं किया उन भाइयों के लिए और क्या फरमाया दिली दिल में अंतु शर् मकाना वाल्लाहु बिमा तस्फून बड़े बुरे लोग हो तुम बड़ी बुरी जगह पे हो तुम लोग और अल्लाह बखूबी जानता है जो कुछ तुम बयान कर रहे हो यहां पर एक फायदा हमें यह देखने को मिलता है कि अगर किसी शख्स पर बहुतान बांधा जाए इल्जाम लगाया जाए तो उसके दो तरीके हैं या तो ये कि फौरन जो है अपनी बारात का इजहार कर दे और दलील पेश कर दे और अगर फौरन दलील ना पेश कर पाए और वो समझता है कि मेरा इस बात को मख्फी रखने और छुपाने से मेरी बात बन जाएगी और आगे चल करके इन्हीं को जिन्होंने मुझ पर एग्जाम लगाया है जलील और रस्वा होना पड़ेगा तो खामोश रहे और उसको छुपा ले नाजरीन आगे हजरत यूसुफ असलात सलाम ने उन भाइयों के साथ क्या किया और कौन सा भाई मिस्र के अंदर रुक गया और फिर याकूब अलैहिस्सलाम के पास जब ये लोग जाते हैं तो उनकी क्या हालत थी इस ताल्लुक से हम अपने अगले एपिसोड में आपके सामने वजाहत करेंगे तब तक आपसे इजाजत चाहते हैं असलम वरम ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें